जब जब परमेश्वर के द्वारा हमें कोई भी काम मिलता है तो परमेश्वर उस पूरे समय में और हर कदम पर हमारा साथ भी देता है, जैसा उन्होंने मूसा को दिया। परमेश्वर ने मूसा को हर कदम पर समझाया और जब भी उसके पास कोई सवाल था तो उसका हल भी दिया। मूसा अपने पूरे परिवार को लेकर उस पराए देश में, जिसका नाम मिस्र था, लेकर के गया। मूसा को ये बात याद थी कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि जब वो मिस्र देश पहुंचे तो अपने भाई हारून से मिलकर उसे सारी बातें बताए। इससे पहले कि मूसा हारून के पास जाता, परमेश्वर हारून को दर्शन के द्वारा दिखाई दिए और उससे कहा कि जंगल में जाकर मूसा से मिले। मूसा से जब वो मिला तो मूसा ने सारी बातें जो परमेश्वर ने उसे बताई थी उसके साथ बांटी। हारून फिर परमेश्वर के लोगों में से सब बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके लाया और हारून ने सब कुछ उन्हें बताया और मूसा ने जो जिन परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था उन्हें करके दिखाए। ये सब सुनकर और देखकर सब लोगों ने उन पर विश्वास किया और जब उन्हें पता चला कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है तो वो खुशी से झुके और परमेश्वर की आराधना करने लगे। अगले दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो राजा के पास जाए, क्योंकि परमेश्वर राजा के सामने बहुत से चमत्कार करेंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनेगा और फिर परमेश्वर मिस्र देश के लोगों का न्याय करेंगे और अपने लोगों को बचा लाएंगे, जिससे कि मिस्र देश के सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनका परमेश्वर सभी भगवानों में कहीं ज़्यादा ऊंचा है और अपने लोगों को उसी ने छुड़ाया है। और मूसा और हारून ने वैसा ही किया जैसा कि परमेश्वर ने कहा। जब राजा ने उनका और उनके परमेश्वर का मजाक उड़ाया तो हारून ने अपनी लाठी को जमीन पे दे मारा और वो लाठी सांप बन गई। ये देख करके दरबार में खड़े जादूगरों ने भी अपनी लाठी को फेंक कर सांप बना दिया। जब वो मूसा का मजाक उड़ा ही रहे थे तभी उसकी छड़ी से बना हुआ सांप जादूगरों के सांपों को निगल गया। फिर मूसा ने जब उसकी पूंछ पकड़ी तो वो सांप वापस लाठी बन गया। ये देखकर राजा और जितने भी लोग दरबार में थे हैरान हो गए। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब कभी हमें किसी भी काम के बीच में रुकावट आती है तो उसका हल हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलता है, जैसे हम मूसा के साथ भी देखते हैं। मूसा को परमेश्वर के द्वारा जो काम मिला था उसके बीच में बहुत सी कठिनाइयां आई थी। उस काम का पूरा होना आसान नहीं था, लेकिन मूसा हर बार जब भी किसी परेशानी में फंसता था तो सबसे पहले परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाकर उनसे मदद मांगता था और परमेश्वर ने हर बार उसको समझाया और सही रास्ता दिखाया। इसलिए हमें भी काम में जब कठिनाइयां आए तो परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएं और वो आपको हर कठिनाइयों से निकालने का हल भी देगा।